असल में देखिए, ये जो देश है ये देश नहीं है, पागल खाना है। यहाँ 140 करोड़ पागल रहते हैं। इस देश में ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इस देश को छोड़ के दुनिया में कहीं नहीं होती। दुनिया में 200 से ज़्यादा देश हैं, लेकिन इस देश को छोड़ के और दुनिया में कहीं नहीं है। जैसे आधार कार्ड, जैसे EVM से चुनाव, जो देश EVM बना के देता है भारत को, वो अपने यहाँ चुनाव नहीं कराता। उसी प्रकार 2013 में लालू को लक्षित करके जो है ये कानून जो है बना दिया था कोर्ट ने, तो लालू जी जो हैं उस समय UPA सरकार के चौथे स्तंभ थे, सबसे धाकर नेता थे। तो कांग्रेस ने, UPA ने क्या किया कि एक संविधान संशोधन लाया इस फैसले को पलटने के लिए, इस कानून को पलटने के लिए। और जिस दिन जो है कानून पलटने वाला था, उस दिन ये राहुल गांधी तो इंडिया में कभी रहता नहीं था, नानी के यहाँ मौसी के यहाँ कहाँ कहाँ रहता था, अभी इसका तो पता ही नहीं चलता था कि था रहता है कहाँ। उस दिन वो अचानक टपका और संसद में जाके जो है कानून अध्यादेश को फाड़ने का नौटंकी किया। एक सदस्य के अध्यादेश फाड़ने से कुछ नहीं होता है, कांग्रेस को जो है आगे बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन मनमोहन सिंह को आगे बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन मनमोहन सिंह ने अपने कदम खींच लिए और उन्होंने अध्यादेश को, संविधान संशोधन को पेश ही नहीं। लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आता, राहुल गांधी तो मोदी का ही प्यादा है, उसकी सारी एक्टिविटी जो है मोदी सरकार को बरकरार रखने वाली है। तो जब इतना अच्छा प्यादा मिला हुआ है मोदी को, तो मोदी ने उसको हटाने का जो है नाटक क्यों किया? तो ये जो सरकार है ये डाइवर्ट एंड रूल पर चल रही है। आपको मेन मुद्दा को हटा के सारस दिखा देगा तो पारस दिखा देगा, ठीक है ना? आपके पेट में अनाज नहीं जा रहा है, आपका रोजी रोटी नहीं है, रोजगार छीना गया है, किसी को नौकरी नहीं हो रही है, इस सब पर ध्यान नहीं जाए तो उल्टा पुल्टा जो है हरकत करते रहती है, समझ गए? तो ये जो कांग्रेस और ये जो BJP है, ये दोनों जो है दोनों पॉकेट मार है और इसी तरह खेला करता है, हम लोग को जो है बेवकूफ़ बनाते रहता है, समझे? इसलिए बहुत ज़्यादा इस सब नौटंकी पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। फिर जो है कोर्ट उसी का है, सब कुछ उसी का है, फिर कुछ महीना बाद जो है ऊपर वाले कोर्ट से जो है इस सजा को ख़त्म कर दिया जाएगा। जोर मचाए शोर, समझे ना? जो अपने बोलता है 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जो नीतीश कुमार को बोलता है कि उसका DNA खराब है, ठीक है, और वही पार्टी वही लोग जो है मोदी को चोर कहने पर जो है उसको सजा भी करवाते हैं। मैंने बोला ना, ये पागल खाना है, यहाँ कोई नियम कानून नहीं चलता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है। यहाँ पर कुछ भी सिस्टमेटिक नहीं है, राम भरोसे हिंदू होटल की तरह आपका इंडिया है। लेकिन एक बात है, ईश्वर में विश्वास कीजिए, अगर ईश्वर नहीं होता तो ये भारत नाम का राम भरोसे हिंदू होटल अभी तक जो है एग्जिस्ट कैसे करता है ना? इसलिए ईश्वर का इसमें कुछ हाथ है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष है, आप देख रहे वंदे बिहार। अभी हम पटना में हैं और पटना डाक बंगला चौराहा पर भानु जी मिल गए हैं, और भानु जी को कोई पहचान की मोहताज नहीं है, आप लोग जानते होंगे। सर, सबसे पहले तो आज जो घटना हुई राहुल गांधी जी को लेकर के, उनको 2 साल की सजा हुई और चुनाव लड़ने पर भी अब संशय बना हुआ है, क्या कैसे देखते हैं आप? चुनाव लड़ने पर पूरी तरह से संशय खत्म हो गया है, बिल्कुल नहीं लड़ पाएंगे वो चुनाव। और जो पिछले चुनाव जीत के जो संसद में गए हैं, वो संसद सदस्यता भी एकदम त्वरित गति से ख़त्म कर दी गई। कैसे देखते हैं अचानक ऐसा, क्योंकि 2012 में एक अध्यादेश जो कांग्रेस लेकर आए उसको राहुल गांधी जी फाड़े, ऐसे मीम बन रहे हैं कि कबर खोदा खुद उसमें गिर गए। जी, कांग्रेस ने जो अध्यादेश लाया था, असल में देखिए, ये जो देश है ये देश नहीं है, पागल खाना है। यहाँ 140 करोड़ पागल रहते हैं। इस देश में ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इस देश को छोड़ के दुनिया में कहीं नहीं होती। दुनिया में 200 से ज़्यादा देश हैं, लेकिन इस देश को छोड़ के और दुनिया में कहीं नहीं है। जैसे आधार कार्ड, जैसे EVM से चुनाव, जो देश EVM बना के देता है भारत को, वो अपने यहाँ चुनाव नहीं कराता है। और ये जो अंग्रेजों जो संविधान था, अंग्रेजों ने जो हम लोग को थोप के गए थे, वो बहुत बढ़िया क्या कहते हैं उसमें ये प्रावधान था। और दुनिया के हर देश के संविधान में प्रावधान है कि किसी व्यक्ति को कानून के वजह से, किसी भी अपराध के वजह से देश के संसद से, देश के संवैधानिक पद से वंचित नहीं किया जा सकता है।
ठीक है, उस पर जो है उसको फांसी की सज़ा हो सकती है, उम्र कैद की सज़ा हो सकती है, लेकिन संसद से उसको नहीं हटाया जा सकता है, क्योंकि जो सर्वोच्च अदालत होती है वो जनता की अदालत होती है। दुनिया के हर देश में, यहाँ तक कि भारत में भी ये प्रावधान है कि सुप्रीम कोर्ट की जो सज़ा है उसको सरकार चाहेगी तो पलट सकती है, ख़त्म कर सकती है, माफ़ी दे सकती है, इंडिया हो, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, हर जगह। तो इसलिए जो है न्यायालय की सज़ा को संसद में मान्य नहीं माना गया है, क्योंकि अगर जो है सज़ा के आधार पर जो है किसी को जो है संसद से अयोग्य किया जा सके, सत्ता से हटाया जा सके, तो क्या होगा कि जिसकी सरकार होगी अपने सारे विरोधियों को जो है वो झूठ मूठ का केस करके या झूठ मूठ का सज़ा दिला के जो है उसको विपक्ष से ही आउट कर देगी, उसको चुनावी मैदान से आउट कर देगी। नहीं, 2019 में राहुल गांधी जब चुनावी सभा कर 2019 में जब चुनावी सभा कर रहे तो बेंगलोर में उन्होंने कहा कि मोदी सरनेम को लेकर बोले कि सारे मोदी चोर ही क्यों होते, उस पर मानहानि का उस समय केस हुआ और अभी गुजरात के लोअर सेशन के कोर्ट ने ये सज़ा सुनाई है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि राजनीतिक प्रेरित है, चुनाव अगले साल होना। आप पहले इसका मर्म समझिए, ठीक है ना, जड़ कहाँ है समझिए। तो इस देश में चूँकि मैंने बोला कि पागलों का देश है, यहाँ कानून संसद का काम है कानून बनाना, तो यहाँ पर जो है जज लोग कानून बना देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने कानून बनाया कि जिन व्यक्ति को कोर्ट से सज़ा हो जाएगी वो जो है संसद के अयोग्य हो जाएंगे, चुनाव लड़ने के अयोग्य हो जाएंगे, चुनावी राजनीति से अयोग्य हो जाएंगे। ये महामूर्खतापूर्ण कानून था और पहले तो उसको बनाने का जो है वैलिडिटी नहीं है, तो बना दिया था। तो ऐसे ही जैसे मान लीजिए कि SC ST एक्ट में भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है कुछ कानून बनाने बनाए थे, तो ये मोदी सरकार ने ही संसद में अधिवेशन लिए, क्या कहते हैं, संशोधन लाके, संविधान संशोधन लाके SC ST एक्ट की तीव्रता को बरकरार रखा था। उसी प्रकार 2013 में लालू को लक्षित करके जो है ये कानून जो है बना दिया था कोर्ट ने। तो लालू जी जो हैं उस समय UPA सरकार के चौथे स्तंभ थे, सबसे धाकर नेता थे। तो कांग्रेस ने, UPA ने क्या किया कि एक संविधान संशोधन लाया इस फैसले को पलटने के लिए, इस कानून को पलटने के लिए। और जिस दिन जो है कानून पलटने वाला था उस दिन ये राहुल गांधी तो इंडिया में कभी रहता नहीं था, ये नानी के यहाँ मौसी के यहाँ कहाँ कहाँ रहता था, कभी इसका तो पता ही नहीं चलता था कि था रहता है कहाँ। उस दिन वो अचानक टपका और संसद में जाके जो है कानून अध्यादेश को फाड़ने का नौटंकी किया। एक सदस्य के अध्यादेश फाड़ने से कुछ नहीं होता है, कांग्रेस को जो है आगे बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन मनमोहन सिंह को आगे बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन मनमोहन सिंह ने अपने कदम खींच लिए और उन्होंने अध्यादेश को, संविधान संशोधन को पेश ही नहीं किया। तो ये राहुल गांधी तो एक सामने मुखौटा था, पीछे जो है कांग्रेस के ही जो लोग थे। और ये जो है काला कानून, मूर्खतापूर्ण कानून, और इसके चलते जो है अब तक कम से कम दर्जन लोग को धराशायी किया जा चुका है, आजम खान और कौन कौन, ये महाराष्ट्र में तमाम नाम है ना। ये काला कानून लागू है और ये राहुल गांधी को जो है भी इसका शिकार बनाया गया है। लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आता, राहुल गांधी तो मोदी का ही प्यादा है, उसकी सारी एक्टिविटी जो है मोदी सरकार को बरकरार रखने वाली है। तो जब इतना अच्छा प्यादा मिला हुआ है मोदी को, तो मोदी ने उसको हटाने का जो है नाटक क्यों किया। तो ये जो सरकार है ये डाइवर्ट एंड रूल पर चल रही है, आपको मेन मुद्दा को हटा के सारस दिखा देगा, तो पारस दिखा देगा, ठीक है ना। आपके पेट में अनाज नहीं जा रहा है, आपका रोजी रोटी नहीं है, रोजगार छीना गया है, किसी को नौकरी नहीं हो रही है, इस सब पर ध्यान नहीं जाए तो उल्टा पुल्टा जो है हरकत करते रहती है। तो हमको लगता है कि अभी जो हिडनबर्ग जो है वो दोबारा एक रिपोर्ट आने वाला है, उसी रिपोर्ट पर जो है हमें लगता है कि ये अडानी और अडानी के साथ भारत की अर्थव्यवस्था और सारे बैंक ध्वस्त हो सकते हैं। इसी रिपोर्ट की भयावहता से लोगों का ध्यान हटाने के लिए अपने गुलाम प्यादे राहुल गांधी के मार्फत जो है सहयोग से जो नौटंकी खेला है, नुराकस्ती खेला है,
ये मेरा अपना विचार है। मतलब कि राहुल गांधी बीजेपी के प्यादे? राहुल गांधी कांग्रेस के अंदर घुसा हुआ बीजेपी का सबसे बड़ा एजेंट है। राहुल गांधी है, कांग्रेस है, तभी बीजेपी है, मोदी है। जिस दिन उसका जो है ये जो ताकत है कांग्रेस खत्म हो जाएगी, उस दिन भाजपा और मोदी भी खत्म हो जाएगी। आप तो बोल रहे हैं कि लगभग 200 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस सीधी लड़ाई में, आप तो कहते हैं कि जब ज्यादा बन के काम कर रही है कांग्रेस, लगभग 70 साल रही है लड़ाई हो। मैं क्या रिजल्ट क्या हुआ ये देखिए ना, नौटंकी मत देखिए, ठीक है। हम लोग यहाँ हो सकता है कि खूब मारपीट करें, बाद में जाके जो है जैसे क्या होता है ना कि यही बगल में पटना जंक्शन है, अभी विश्व प्रसिद्ध हो गया है जी, वहाँ पर कोई पकेटमार पकड़ाता है तो उसी का साथ ही सब उसको पकड़ के पीटते उसको जो है साइड से भगा देते हैं, समझ गए। तो ये जो कांग्रेस और ये जो बीजेपी है, ये दोनों जो है दोनों पकेटमार है और इसी तरह खेला करता है, हम लोग को जो है बेवकूफ़ बनाते रहता है, समझे। इसलिए बहुत ज़्यादा इस सब नौटंकी पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। फिर जो है वोट उसी का है, सब कुछ उसी का है, फिर कुछ महीना बाद जो है ऊपर वाले कोर्ट से जो है इस सजा को ख़त्म कर दिया जाएगा। एक चीज़ और मैंने बोला कि भारत जो 140 करोड़ लोगों का पागलखाना है, यहाँ पर मानहानि जैसी धाराएं हैं, ठीक है। अमेरिका में ऐसा नहीं है, अमेरिका में कुछ भी बोलने पे कोई जो है सजा नहीं हो सकती है, यहाँ वहाँ बोलने की एक्चुअल स्वतंत्रता है। लेकिन चूँकि हमारा जो भारत का संविधान जो है अंग्रेज जो बना के गए हैं, वो संविधान में क्या था कि हमको उनको शासन करना था अल्पसंख्यक को बहुमत पे, बहुसंख्यक पे, तो उसी लिए लोग ऐसा ऐसा प्रावधान बना के गए कि मानहानि कुछ बोलने पे सजा था, मान कुछ किसी के बोलने कल को जो है या आज भी अत्याचारी बलात्कार कर देगा। अब पीड़ित आदमी जो है डर से जो आरोप भी नहीं लगाएगा कि अरे ये तो बोलेगा कि हमारा मानहानि कर दिया है, हमको जेल में भेज दो, समझे। अभी जो भारत में जितना भ्रष्टाचार है, राफेल को 3 गुना दाम पर खरीदा गया और तमाम चीज़ें, इससे बड़ा भ्रष्टाचार जो है वर्ल्ड में कहीं हो सकता है, लेकिन तब भी जो है चोर कहने पर जो है यहाँ पर सजा कर दी जा रही है जी। मतलब कि एक तरह से आप तो बोल रहे हैं कि प्यादे हैं, लेकिन राफेल मामला जिस तरह से कांग्रेस उठा रही है, उसी तरह आप बोल रहे हैं कि ये राफेल मामला बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। राफेल मामला कांग्रेस उठा नहीं रही है, उठाने का नाटक कर रही है, बचा रही है और बचा दी है उसको। चलिए अच्छा ठीक है, 2024 का चुनाव आने वाला है, अगले साल ही है, आप किसे देखेंगे वहाँ पर, बीजेपी के सामने कौन होगा? देखिए भैया बाबू, यहाँ EVM से चुनाव हो रहा है तो शासन में वही रहेगा जो EVM का मालिक चाहेगा। ये सब जो है ना, हम लोग को लगता है कि हम लोग वोट देते हैं लेकिन हम लोग मुरुख हैं, ठीक है। वोट को गिनती करता है EVM और EVM में जैसा सेटिंग रहता है वैसा ही गिनती करके थमा देता है। इसलिए भूल के भी सोचिए नहीं कि जो है हम लोग की सरकार आएगी। आखिरी सवाल सर, 2019 के चुनाव में जिस तरह से राहुल गांधी जी ने कहा था कि मोदी जी और मोदी सरनेम का जो भी है सब चोर क्यों हैं, लेकिन ऐसे भी मोदी जी का बहुत सारा ऐसा भाषण दिया गया है चुनावी दौरान, सभा के दौरान, जो अशोभनीय है, उस पर सजा कब होगी उनकी? चोर मचाए शोर, समझे ना, जो अपने बोलता है 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जो नीतीश कुमार को बोलता है कि उसका DNA खराब है, ठीक है, और वही पार्टी वही लोग जो है मोदी को चोर कहने पर जो है उसको सजा भी करवाते हैं। मैंने बोला ना ये पागल खाना है, यहाँ कोई नियम कानून नहीं चलता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है, यहाँ पर कुछ भी सिस्टमेटिक नहीं है। राम भरोसे हिंदू होटल की तरह आपका इंडिया है, लेकिन एक बात है, ईश्वर में विश्वास कीजिए, अगर ईश्वर नहीं होता तो ये भारत नाम का राम भरोसे हिंदू होटल अभी तक जो है एग्जिस्ट कैसे करता है ना, इसलिए ईश्वर का इसमें कुछ हाथ है। चलिए ईश्वर का कुछ हाथ है, जैसा कि इन्होंने बताया कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, लेकिन ईश्वर हैं, अगर ईश्वर नहीं होता तो ये सब कुछ नहीं होता। आप देख रहे हैं वंदे बिहार, फेसबुक पर देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। एक ही मुद्दा हो